तू है तो मुझे फिर और क्या, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, दद ना दुआ चाहिए, मुझे फिर और क्या चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज हम एक वीडियो की बात करने वाले जो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। अगर आप भी उस टाइप की वीडियो बना के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड करते हैं तो आपके भी बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपके भी वीडियो वायरल हो जाए। तो अगर आप भी चाहते हैं उस टाइप की वीडियो बनाना तो वीडियो को एंड तक देखेंगे दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। तो चलते हैं हमारी स्क्रीन की तरफ। आपको अपना VN एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। जितने भी मटेरियल इस वीडियो में यूज़ है वो सारा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं। सबसे पहले यहाँ से आपको एक फ़ोटो सिलेक्ट करनी है, मैं ये वाली फ़ोटो ले लेता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद ओरिजिनल वाले साइज़ को सिलेक्ट करके यहाँ से जाएंगे 9:16 पे। उसके बाद दोस्तों इसकी लेंथ को आप इंक्रीज़ कर लेना 28 के अराउंड, जितना आप स्टेटस बनाना चाहते हैं उतना कर लेंगे। मैं यहाँ पे 28 कर लेता हूँ। इतना हो जाने के बाद अब आपको स्टार्टिंग में आना है और यहाँ पे थर्ड वाले ऑप्शन पे जाके वीडियोस एंड फ़ोटोज़ में जाना है। उसके बाद वीडियोस में जाना है और आपको ये मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। इसको करना है फिट। फिट करने के बाद जाना है क्रोमा पे, ब्लू वाले इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ इसकी इंटेंसिटी करनी है 52। डन कर देंगे। डन कर देने के बाद दोस्तों ये थोड़ा छोटा है तो इसके हिसाब से हमारी जो फ़ोटो है उसको रख लेते पहले यहाँ तक। इसको स्प्लिट करके इस वाले पार्ट को हम डिलीट कर देंगे। इतना हो जाने के बाद दोस्तों अब आपको फ़ोटो पे सिलेक्ट करना है। इसको यहाँ से फ़ोटो पे सिलेक्ट करना है और इसको नीचे लेके आना है दोस्तों, ऐसे इतना एडजस्ट कर लेंगे दोस्तों। एडजस्ट कर देने के बाद अब आपको एक जितने भी PNG लेकर आने हैं इसके अंदर सारे PNG ऐड करने अपने, तो प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे, वीडियोस में जाएंगे, फ़ोटोज़ में जाके सबसे पहले ये वाला PNG ऐड कर लेंगे हम यहाँ पे ऊपर ऐड कर लेंगे इस तरीके से। उसके बाद जाएंगे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो आप टेक्स्ट लिख देंगे। मैं यहाँ से लिख रहा हूँ माई लव। लिखने के बाद फ़ॉन्ट पे जाएंगे, जौन सा मर्जी आप फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट सिलेक्ट करता हूँ। कलर दे देंगे इसको ब्लैक। डन पे क्लिक करेंगे, इसका साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे और इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पे, ये भी हो गया। इन दोनों का जो साइज़ है वो आप इंक्रीज़ कर लेंगे हमारी वीडियो की लेंथ के हिसाब से, ये हो गया। इसका भी साइज़ इंक्रीज़ कर लेंगे, हो गया। अब इसके ऊपर लगाएंगे हम दोस्तों एक शेडो, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे जाएंगे, फ़ोटोज़ पे जाएंगे, ये शेडो है इस पर क्लिक करेंगे, इसको अपनी वीडियो के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे, फ़ोटो के हिसाब से सॉरी। एडजस्ट हो जाने के बाद इसको सिंपली क्लिक करके नीचे लाएंगे यहाँ पे, इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम इसमें ऐड करेंगे लिरिक्स, तो प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, वीडियोस में जाएंगे, लिरिक्स ये रहे दोस्तों। हम थोड़ा आगे करके देख लेते हैं, हमारे लिरिक्स यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ से जाएंगे ब्लेंडिंग वाले ऑप्शन पे, यहाँ से कर देंगे स्क्रीन। स्क्रीन करने के बाद इसको इतना रख लेंगे यहाँ पे ताकि हमारे लिरिक्स दिखें, ऐसे कर लेंगे दोस्तों। थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको इस तरीके से। डन कर देंगे यहाँ से। डन करने के बाद दोस्तों अब दोबारा प्लस वाला आइकन पे क्लिक करेंगे और इसके ऊपर म्यूज़िक प्लेयर वीडियो ऐड कर देंगे यहाँ से, ये रही। इसको देखेंगे आगे हमारी कहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, तो यहाँ से इसका भी ब्लेंडिंग मोड चेंज कर देंगे, यहाँ से कर देंगे लाइटन, सॉरी डार्कन कर देंगे। डन करेंगे और इसको यहाँ पे रख देंगे इस तरीके से। इतने हो जाने के बाद दोस्तों हमारी वीडियो कुछ इस तरीके की बन जाएगी। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं ऐसे, ये हमारी वीडियो रेडी हो चुकी है दोस्तों। अब इसके ऊपर एक और इफ़ेक्ट लगाना है, तो पहले हम अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेंगे यहाँ से। तो दोस्तों जब तक हमारी वीडियो एक्सपोर्ट हो रही है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अभी आगे आपको एक और स्टेप रहता है, जाइएगा मत दोस्तों हमारी वीडियो को छोड़ के। तो वीडियो एक्सपोर्ट होने वाली है और यहाँ से सिंपली सेव वीडियो कर देंगे। यहाँ से दोबारा प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट पे जो अभी हमने वीडियो एक्सपोर्ट करी है उस वीडियो को यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। वीडियो इंपोर्ट हो जाने के बाद यहाँ से आप प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, वीडियो पे जाएंगे और यहाँ से पार्टिकल वाले वीडियो को ऐड कर लेंगे। इसको कर देंगे यहाँ से फिल।
फिल करने के बाद इसका ब्लेंडिंग ऑप्शन कर देंगे ऐसे स्क्रीन और डन कर देंगे। इतना हो जाने के बाद अब आपको इसके अंदर साउंड ऐड करना है दोस्तों। प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, म्यूज़िक पे जाएंगे, प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम वीडियो, ओके। और जो हमने स्टेटस लिया था उसके अंदर से हम उसका सॉन्ग निकाल लेंगे। तो ये सॉन्ग आ गया, इसको यहाँ से कर लेंगे चूज़, डन कर देंगे। हमारी वीडियो दोस्तों बनके रेडी हो चुकी है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।